yardım oldu. ठीक है अपना पीटीआई है यार शामिल कहते हैं हमारी मर्जी जो उन्हें आरंभ किया है उस चीज का प्लीज ध्यान किया जाए जो दोस्त बैठे हैं उन चीज पे बैठे Pakistan, 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 Pakistan,
दोस्तों से सारे फ्रंट वाली कुर्सियों पे आके बैठ जाए। ये जो फ्रंट वाली कुर्सी है सारे ला जाए, जो जो पीछे बैठे ये फ्रंट वाली सारी कुर्सियों पे आके बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा भाई फजल के आई राजा यासिर को
साहब भी कहता हूँ, मैं मलक अहमद नवाज नायब सदर शिवाली पंजाब लेबर विंग राणा अकरम सदर लेबर विंग अटक को खुश आमदूद कहता हूँ, मैं फैसल अमीन सत्ती को अपनी शक्तियाँ उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को खुद के साथ खुश आमदूद कहता हूँ। जो कल आप बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बंगाल में तीसरी भी है महमूद तहसीम गोजर खान बिरजा रिजवान और उनके साथ आने वाले 30% लोग आए हैं, 75% लोग रास्ते में है और ये तारीफ लिखी जा रही है। ये मीडिया देख ले और मलक नवीद साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनके साथ आने वाले काफी बार रोडों पे है, पिंडाल भर चुका है और मेरा ख्याल है आप पिंडी की रोडों पर हम शुरू हो जाएंगी। जिला बड़े लीडर सरदला खान न्याजी साहब ये आपके लगाए हुए पौधे ये आपके पिंडी है ये आपके लोग लगाए हुए पौधे और तनाव तनाखत बन चुके हैं। अब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। सदाकत अब्बासी साहब आज नॉर्थ पंजाब के अहदेदार यहाँ पे हल्फ लेंगे चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला खान न्याजी उनसे हल्फ लेंगे और एक तशरीफ का दिन है एक अहद का दिन है कि हम सब ने इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान की अल्लाह ताला के रहम से अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की तस्वीर बदल दी है। आज आप सब जिस बड़ी तादाद में यहाँ शरीक है आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वो जलसा जो जलसा नहीं था लेकिन जलसा बन गया है और ये पोजीशन वाले जो 30 साल से बारी बारी इकतदार में रहे जिन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया अपनी जेबें भरी मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन की अपनी जेदादें बनाई गरीब मुल्क कसासे बनाए लेकिन पाकिस्तान को गरीब किया। आज वो किस मुंह से बाहर निकल रहे हैं लोग उनसे पूछते हैं
उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड कि आप बताओ कि आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। आज जितने लोग हमारे स्टेज पर हैं आप इतने भी इकट्ठे करके बता दो अपने दिल से कमाल जाएंगे। जिससे वजीर आजम बने इसमें से पहला खिताब कर रहे थे उस दिन से ऑपोजिशन वालों ने इमरान खान को ब्लैकमेल करना शुरू किया। असेंबली के पहले दिन ईश्वर शराबा चला कहा कि हुकूमत फेल हो गई है। पहले पांच मिनट भी कह दिया कि हुकूमत फेल हो गई है। उसके बाद जब कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर किया और सुर्खियों में था कश्मीर फौज तो उसको पीछे करने के लिए इन्होंने एक धरने की कॉल दी और कंटेनर लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। उसके बाद जब पैकेट की कानून साजी हो रही थी तो फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कोरोना के अंदर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और सारा वक्त वो एक ही चीज चाहते थे और वो था एनआरओ, जिसको देने से इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हुकूमत तो बहुत छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाता हूं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। और आज फिर वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो बदल रहा है पाकिस्तान, ये जो पूरा निजाम बदल रहा है, जहां उन्होंने दुकानें खोल रही थी, करप्शन थे, बाजार लगाए हुए थे, इकतदार में आते थे, आवाम को लूटते थे, बाहर कैसे ट्रांसफर करते थे, वो सारा निजाम जो इमरान खान तब्दील कर रहे हैं तो यही तकलीफ है। लेकिन इंशाल्लाह कप्तान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, ना ही किसी की बातों में आना है। हमने इमरान खान के साथ खड़े रहना है, साथ देना है, आगे जाना है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्कियों की मनाजिल पर लेकर जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि टाइम कम है, मुख्तसर बात करूंगा आखिर में कि आप ये जानते हैं कि अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब ने आज तक जिंदगी में जो कहा वो करके दिखाया। आपको अल्लाह ने खास सलाहियत दी है कि आप नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। और आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, ग्लोबल कह रहा है, बेस्ट कह रहा है, मोदी जी रेटिंग आपके सामने है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो गई है और आम आदमी तक अब हमारी पॉलिसी के असरात जाएंगे, महंगाई में कभी आएगी और आगे से इंशाल्लाह खुशहाल पाकिस्तान होगा। ये दो साल, सिर्फ दो साल का मुकाबला आप उनके 30 साल जो बारी बारी इकदार में आते रहे उनसे नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने जैसे खैबर पख्तूनख्वा में लोग कहते थे शुरू में कि कहा है नया खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कि पाकिस्तान की तारीख का पहली बार सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है एक पार्टी की बल्कि डबल वोट लेके आती है। और आज जो कह रहे हैं कि किधर है नया पाकिस्तान तो वो वक्त नहीं, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला के करम से इमरान खान साहब नया पाकिस्तान भी बना के दिखाएंगे। और जो अपोजिशन वाले ये जो इत्तेजाज कर रहे हैं कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दो, तो हम कहेंगे कि आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मुमकिन नहीं, आपका मतलूबा नंबर से रास्ता मुमकिन नहीं क्योंकि वो आवाम की खिदमत में मसरूफ है। 3 साल के बाद दाय करना, जब इलेक्शन होगा फिर इमरान खान जीतेंगे, फिर आप कहेंगे कि धांधली है, फिर मिलाना नंबर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं दावत दूंगा मेरे बाप अच्छा गेट सामने खोल दीजिए कहे मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, बाहर गेट के बाहर काफी वर्कर खड़े हैं, बराए मेहरबानी गेट खोल दीजिए। राइट साइड पर कुर्सियों में जगह है, बराए मेहरबानी बड़ा गेट खोल दीजिए। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हाजरी। पाकिस्तान कौन दिखाएगा पाकिस्तान? अब मैं दावत दूंगा, मेरे बाद स्पीच करने के लिए तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
नॉर्थ पंजाब के शिमाली पंजाब के सदर सदाकत अली अब्बासी जनाब सैफुल्ला खान महरी साहब पीस ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूथ विंग लेबर विंग वुमेन विंग वेलफेयर विंग ट्रेडर्स विंग उलमा विंग अखिलेश विंग और स्पोर्ट्स विंग के अहदेदारान अस्सलाम वालेकुम मैं सबसे पहले आज अपने मीडिया के जरिए इस सिंडाल में मौजूद लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि ये पार्टीमान नहीं है ये हमारी पार्टी के अहदेदारान है ये शिमाली पंजाब के अहदेदारान का आज हम सरकारी का प्रोग्राम है ये कोई जलसा नहीं है ये कोई कन्वेंशन नहीं है सैफुल्ला खान महरी साहब हम सरकारी रहेंगे उन सब अहदेदारों से जो शिमाली पंजाब के यातायात है हमारे पास पांच चेयर है सबसे ऊपर शिमाली पंजाब है जिसमें 15 से 20 लोग हैं उसके बाद 12 जिला जिसमें 11-12 लोग हैं 100-150 लोग हैं उसके बाद हमारे पास 7 तहसीलें हैं उसके बाद हमारी यूनियन काउंसिल है उसके बाद हमारी वार्ड आखिर में ब्लॉक रोड है ये पहले 3 टीयर की तंजीम शादी है अगर जब मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह ये लाखों की तादाद में हमारे यहाँ दौरान होंगे क्योंकि मकसद करना है इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अपने अहदेदारों को और स्टेट से पाकिस्तान के वो लोग जो शासक से नजर रखते हैं ये तंजीम शादी तरीके इंसाफ की इंशाल्लाह सियासत को वडेरों और डेरों से मौरूसी जो मौरूसी मालात हैं वहां से निकालते हैं इंशाल्लाह हम चौकों चुराव में और आम लोगों के गली मोहल्लों में इंशाल्लाह सियासत को लेके आएंगे बड़े बड़े जो लीडरान हैं जो बड़े बड़े मोहल्लों के और डेरों के सरदार हैं उनकी टेलीफोन कॉल से बिठाए इंशाल्लाह ये तंजीमें अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला करेगी मैं सैफुल्ला खान महरी साहब को मुतवज्जो करके बताना चाहता हूँ कि जो खवातीन यहीं बैठे हैं हमारी खवातीन कांग्रेस हमारी खवातीन एमपीए हमारी खवातीन एमएलए इनसे आएंगी अब किसी फोन से पच्ची से इंशाल्लाह नहीं आया करेंगी हमारा लेबर विंग हमारे लेबर विंग का हाथ खड़ा करें किधर है लेबर विंग इंशाल्लाह लेबर कांसर दिया करेगा हमारा यूथ विंग कहा यूथ विंग यूथ विंग इंशाल्लाह यूथ के कांसर देगा हमारा वेलफेयर विंग हमारा ट्रेडर्स विंग इंशाल्लाह इंसान स्पोर्ट्स विंग खवातीन विंग इंशाल्लाह माइनॉरिटी विंग ये सारे हमारे बंद है मुख्तसर करना है क्योंकि हज बताने का टाइम हो गया है और मगर से पहले पहले हम हज बताने के लिए हैं तो इस तंजीम में क्या चीज प्रतिबंध थी 2013 में ये इलेक्शन हम हमारे इमरान खान नहीं आ रहे ये हमारी तंजीमें थी हम मुकाबला नहीं कर सके हमारी ट्रेनिंग नहीं थी इमरान खान आज से भी ज्यादा मकबूल थे लेकिन हमारी तंजीमें नहीं थी इलेक्शन आने के बाद इस सिंधी में तो फिट हुआ पीपीआईसी थी लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद हमारी चलते सीटें थी 2014 में हमने सिटेक्टो को चैलेंज किया और बड़े से बड़ा यहाँ पे जो चैपिंग माफिया था सिटेक्टो था उसको स्पष्ट किया 2014 से हमने हर इश्यू को उठाया और पाकिस्तान की शासक को इसी में शासक बनाया 2018 में हमने इस माफिया को स्पष्ट की आज इंशाल्लाह हम तंजीम शादी कर रहे हैं और इस तंजीम शादी में
जैसे हमने कहा ये तंजीम साथ इंशाल्लाह सियासी घेरों की सियासत को इंशाल्लाह हमारी तंजीमों पर लेके आएगी। हम मुख्तसर साहब सबसे आखिरी बात करूंगा, हम सरकारी से पहले ये तो सीडीएम है कि पाकिस्तान डिमोशन मूवमेंट, इस सीडीएम को हम तुरंत डिफेंस मूवमेंट कहेंगे। इनको बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में सियासत की तब्दीली का वक्त आ गया, पाकिस्तान में सियासत मौरूसी बच्चों की बजाय अब इंशाल्लाह तंजीमों से होगा, तंजीमों से होगी। मैं बिलावल को और मरियम को फिर यहां से पैगाम देना चाहता हूं इस तंजीम साजी के इस स्टेट से कि मेरे हाथ में अलग है इंसाफ का, मेरे हाथ में अलग है, मेरे जहन में उजाला अलग पीटीआई का इंसाफ का और उजाला इमरान खान के नजरिए का, मेरे हाथ में अलग है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई पर्चियों का ताला, मुझे फिक्रे फिक्रे आलम गुरबत की बात कर रहे, मुझे फिक्र फिक्र आलम तुझे अपने साथ का गम, पीटीआई का कार्टून मैं तुलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। आज इंशाल्लाह हम यहां से एक सियासत का एक नए बात का आगाज कर रहे हैं और तरीके इंसाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। आखिरी बात करूंगा, हाँ महंगाई है, हाँ बेरोजगारी भी है, हाँ गुर्बत भी है और ये सच है, लेकिन खुदा की कसम इससे बड़ा सच भी कोई नहीं है। इमरान खान से आया इस पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान से आया इन मिसाइल का हल किसी के पास नहीं है। इंशाल्लाह हमारी तंजीमें इमरान खान के साथ चल रहे थे इस पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाई रियासत और मदीने की रियासत बनाएंगे। मुझे सागर साहब का हुक्म है कि निरीक्षण करें। मैं इधर फिर तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आ जाए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा लाइव बताने का इवेंट जिसको सागर साहब शेयर कर रहे हैं, आपने इसको कवर किया और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं अगर पार्टी ने और हुकूमत ने इजाजत दी तो अपने कुछ अंशों में इंशाल्लाह फैसलाबाद से इजाजत मिली तो फैसलाबाद से बेबी कार्ड है वर्कर कन्वेंशन करेंगे इंशाल्लाह लाखों लोगों का। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अब तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनका हाल अभी होने वाला। बहुत शुक्रिया अपोजिशन वालों को अगर मसला हो रहा है क्योंकि जगह का तालिया में नहीं हो रहा उनसे, अगर कंटेनर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है और अगर आपको लोग चाहिए तो लोग भी आ जाएंगे। वो कहते हैं कोरोना की वजह से ना करें, अपोजिशन वालों के घर से वैसे भी ऐसे होते हैं कि लोग बहुत दूर दूर तक फासले से खड़े होते हैं, उन्हें ऐसे खिला के खड़ा करते हैं कि लगे कि ज्यादा लोग हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्वास्थ्य साहब बता रहे थे कि हमने छोटी सी तकरीब रखी थी हल्फ बरदारी की नॉर्थ पंजाब की, लेकिन वो एक जलसे में कन्वर्ट हो गई और अब हल्फ बरदारी का टाइम हो गया है। मैं गुजारिश करूंगा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सैफुल्ला खान न्याजी साहब से कि वो तशरीफ लाए और हल्फ में आप सब अहदेदारान से जनाब सैफुल्ला खान न्याजी। बस बस बस
اور انہوں نے میری سیاسی تربیت کی اور اس سیاسی تربیت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی کرپشن کے خلاف جنگ اور وہ ہم آج تک لڑ رہے اور لڑتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہماری پارٹی بڑی جلدی سے پھیلی ہمیں ٹائم نہیں ملا کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں سیاسی ایجوکیشن ہم اپنے لیڈر کی اسپیچز کو ہی فالو کرتے رہے ہمارے لوگ جب حکومت آئی زیادہ تر تو گورننس کا ایکسپیرئنس نہیں تھا اور بیوروکریسی جس نے سب کچھ امپلیمنٹ کرنا ہے ان کو تباہ کر دیا تھا ان دونوں پارٹیوں نے کیونکہ ان کے قریب میرٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی صرف پرسنل لائلٹی کو یہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آج مافیا راج کر رہے ہیں اور وہ مافیا ہمارے لیے بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارا سٹرگل جاری ہے اور ان رکاوٹوں کے باوجود ہم چیزیں ٹھیک کریں گے اللہ ہمارا مددگار ہے اور عمران خان کی الحمدللہ نیت صحیح ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہر مشکل مصیبت سے نکالتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کرونا والے ایشو میں عمران خان نے پورا بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پہ اور پورا اپنا فوکس رکھا اس ملک کی غریب عوام پہ سانیہ منسٹر کو ہدایت دی کہ 150 روپیہ میرٹ سے بانٹا جائے غریب عوام کو اور وہ اس سے ان مشکل حالات میں ان کی کچھ تکلیفوں میں آسانی ہوئی پھر خان صاحب نے جو لاک ڈاؤن تھا بے حد مخالفت کے باوجود لاک ڈاؤن کو ایز کیا تاکہ غریب آدمی اپنا روزگار کما سکے اور یہ موجے سے کم نہیں کہ کرونا کا اثر پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے جب آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو اور ڈیولپ ملکوں کو دیکھتے ہیں جہاں کرونا کی وجہ سے تباہی پھیل گئی ہے ہم ایسے یہی اثر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عمران خان اس پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بنائے ریاست مدینہ کے نقش قدم پر ماڈرن اسٹیٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے اس میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ میرٹ پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اور بلا تفریق احتساب ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے ریاست مدینہ کا ایک بہت زبردست ایگزامپل ہے ماڈرن اسٹیٹ کا جو ہم فالو کر سکتے ہیں اس ریاست مدینہ کی بنیادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ مکی زندگی میں رکھی گئی اور سب سے پہلا مساوات کا آئین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع تھا یہ دنیا کے لیے پہلا چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا ایک ماڈرن اسٹیٹ بنانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہے انسٹیٹیوشن وہ سیاسی پارٹی ہوتا ہے اور اگر ہم اپنی سیاسی پارٹی کو میرٹ پہ رشتے داری برادری یا مفاد کو چھوڑ کے آرگنائز کر لیں تو انشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی جو انسٹیٹیوشن ہیں اس ملک میں وہ ہمیں بڑی آسانی سے ہم ان کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں گے الحمدللہ پی ٹی آئی کے پاس ایک اچھا کانسٹیٹیوشن ہے لیکن یہ صرف کانسٹیٹیوشن ایک راستہ ہے اس کو اگر ہم الفاظ اور روح میں فالو کریں تو وہ جو خواب میں نے آپ نے اور ہماری یوتھ نے اپنے عزیز لیڈر عمران خان کے ساتھ دیکھا ہے اس کو ہم مکمل کر پائیں گے اور جب یہ ہو جائے گا تو ہم دنیا کو بتا سکیں گے
कि यहां पर जात मफाद और औलाद की सियासत नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी औलाद को आगे किया है अपने मफाद को बचाने के लिए। यह मसला जमहूरियत बचाना नहीं है, चोरी बचाना है। शरीफ कासिम मसला लाखों टन स्क्रैप जो अफगानिस्तान में पड़ा है उसका है, जिसको हसन नवाज अपने दोस्त सदन जिंदाल से मिलकर खरीद रहा है। इस स्क्रैप को इंडिया ले जाने के लिए राजधानी चाहिए, जिसकी रियासत पाकिस्तान कभी इजाजत नहीं देगी। सदन जिंदाल हुई है जिसके लिए नवाज शरीफ ने अपने आखिरी इंडिया के ट्रिप पे हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मसला यह है कि उसने 16 दिसंबर तक बरतानवी हुकूमत को यह साबित करना है कि अगर वह पाकिस्तान वापस जाता है तो पाकिस्तानी फौज उसको नहीं छोड़ेगी। अगर ये वह साबित ना कर सका तो दिसंबर के आखिर में बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान भेज देगी, जहां पर उसको अपनी बाकी की सजा कोर्ट लखपत में जेल में पूरी करनी पड़ेगी। मुझे कल कहना था कि ये प्रोग्राम या जलसा हम अपोजिशन के जलसों को का मुकाबला करने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमारा और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने 126 दिन धरना दिया, 22 साल स्ट्रगल किया। हमारा लीडर डिक्लेयर सादे का रनिंग है। हमने पार्टी का आइन बनाया ताकि हम पार्टी को इदारा बना सकें और मौलवियत को शिकस्त दें। यह तो अभी सिर्फ एक रीजन है, शुमाली पंजाब का। अगर हमारा लीडर पहुंच गए अजान का इस मुल्क की मईशत को रिवाइव कर रहे हैं जो इन दोनों ने पिछली चंद दहाइयों में मिलकर तबाह की है, और उसके लिए एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हो रही है, और उसके साथ साथ 50 और अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी और रोजगार पैदा होगा। और जब इकोनॉमी ठीक होगी तो हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, उनके अमन के लिए, उनकी फलाह के लिए और अपनी यूथ के लिए रोजगार के मौके और पैदा करेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इमरान खान इसमें कामयाब होगा और हम सब उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।